गाइस, इस फ़ोन को मार्केट में ठीक से एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है और इस फ़ोन में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ। ये वाला फ़ोन मेरे हाथ में आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और सेकंड डे में इतनी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, कुछ कहने के बाद मैं इतना बोलूँगा, ढंग से मैंने चेक कर लिया तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। जब भी कोई नया ब्रांड मार्केट में इस्टेब्लिश होता है, मार्केट में उतरता है, तो वो अपने अपने आप को परफेक्ट और परफेक्शन के साथ उतारता है। अब ये मुझे नहीं पता, ये शायद मेरे ही यूनिट के साथ ये प्रॉब्लम है कि हर यूनिट के साथ ऐसा इशू आ रहा है, क्योंकि मैं रिप्लेसमेंट ऑलरेडी डाल चुका हूँ फ्लिपकार्ट से। अब फ्लिपकार्ट से जब दूसरी यूनिट आएगी मैं इसको चेक करूँगा और मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊँगा कि इसमें ये प्रॉब्लम इसी फ़ोन में है कि दूसरे में भी है। अगर गाइस आप लोग नथिंग फ़ोन 1 की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो उस फोन को, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिससे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके उससे। जैसे कि मैं दूसरे लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम्स अगर मेरे पास पता होंगी तो मैं उनको भी शेयर आगे प्रोसीड करूँगा। मेरा प्रॉब्लम गाइस सबसे पहला क्या आ रहा है, जो इसके अपीलिंगनेस, जो इसका पीछे का बैक पैनल है, इसका ग्लिफ इंटरफेस, उससे रिलेटेड बताने वाला हूँ। अगर ग्लिफ इंटरफेस की इसकी ग्लिफ चालू कर देंगे तब मैं आपको प्रॉब्लम प्रॉपर भी बता पाऊंगा। अगर ये क्लीन दिख रहा है ना आपको ब्लैक में, तो अगर इस पैनल के बीच में अंदर इनसाइड ये ट्रांसपेरेंट के अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल अगर अंदर जा रहा है तो वो अलग से हाईलाइट करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रीमियम लगता है इसे देखने में, बहुत ज़्यादा औसम लगता है। बट अगर इसमें डस्ट पार्टिकल वाइट वाइट अगर जाएंगे तो वो गंदा लगता है, तो यही मेरा कंसर्न है। जब ग्लिफ इंटरफेस चालू करते हैं ना इसका, तो मैं वाइप के साथ ही दिखा देता हूँ। पहले तो आप ये नोटिस कीजिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाता हूँ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे, एक तो इवन ये भी है नियर बाई पास में। अब देखिए मैं वाइप कर रहा हूँ ढंग से, उसके बाद भी ये कहीं रिमूव नहीं करेगा, देखना। देखिए 1, 2, 3 अभी भी है। अगर आपको कैमरे में दिख पा रहा होगा तो क्लोज ढंग से नोटिस कीजिएगा, ये क्लोजली, ये वाला 1, 2 ये दिख रहे होंगे, ये तो हाईलाइट ही कर रहे हैं ग्लिफ इंटरफेस के पास, बिल्कुल पास नियर बाई में 1, 2, 3 ये भी आ रहे हैं। गाइस आप ये सोचिए कि इस फोन को आए हुए सिर्फ मात्र 24 घंटे हुए हैं मेरे पास, ये सेकंड डे है मेरा, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कैमरा टेस्ट वगैरह कर रहा हूँ, यार मतलब कहीं से स्पेस नहीं है फिर भी अंदर डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये डैम श्योर हूं मैं। इसकी सेकंड यूनिट जो आएगी उसको भी चेक करके मैं बता दूंगा, उसमें भी सेम प्रॉब्लम एज इट इज ऐसी आ रही है, तो ये फोन रखना मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। पर फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इस फोन को कंटिन्यू करूंगा, रखे रहूंगा और चेक करूंगा इसके फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह कैसे आते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसका बहुत लाजवाब है, मैं खुद बोल रहा हूं, ये बात अच्छी बात है। दूसरा जो प्रॉब्लम है अब आपसे डिस्कस करता हूं, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्ले पैनल, जो इसका ओलेड पैनल है वो बहुत लाजवाब है, बट लाजवाब के साथ साथ एक प्रॉब्लम जो मुझे बहुत ढंग से इरिटेट कर चुका है, जिसकी वजह से ये फोन मैंने रिप्लेसमेंट में डाला था, दूसरे टाइम में दूसरे दिन में ये वाला प्रॉब्लम फेस किया था। फर्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे सबसे बड़ा लगा वो ये है कि मैं फोन को यूज कर रहा था पॉकेट से निकालते टाइम, जब मैं इतने एरिए पे, जैसे कि यहाँ पे 2 बना है, 2 से जस्ट ऊपर है, 2 के जस्ट ऊपर यहाँ पे, जैसे क्लॉक बन के आता है इसके जस्ट ऊपर, यहाँ अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको क्लिकी साउंड आएगा। जैसे कि मैं फोन बंद कर देता हूँ, मैं दोनों दिखा देता हूँ, देखिएगा पास में आ जाके देखिए, 1, 2, 3 बटन पे मेरे मेरे फिंगर सारी अलग हैं। देखिए मैं नीचे रख देता हूँ, देखिए मैं अभी एक फिंगर से करता हूँ, ये नहीं, ऐसा नहीं आएगा, देखिए इस फोन को मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ गाइस आप लोगों के सामने, अब उसके बाद देख लीजिए फोन स्विच ऑफ हो चुका, आप देखिएगा थोड़ा और क्लोज, डिस्प्ले पे जो साउंड आ रहा है ना वो ऐसा टैक्टाइल टाइप का, जैसे पुराने बटन कीपैड वाले बटन होते थे जो फोन होते थे उसमें क्लिक करते थे तो ऐसा टैप क्लिक 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 वैसा साउंड आता, तो वैसा ही साउंड इसमें प्रेजेंट टाइम में समझ में साफ साफ आ रहा है। ये पहले थोड़ा थोड़ा लग रहा था, पहले मुझे लगता था इस साइड से आ रहा है, फिर मैंने धीमे धीमे करके वो क्या बोलते हैं दया कुछ इसमें गड़बड़ है वो वाला फील ले लेके मैंने सस्पिशियस होकर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, तब जाके मुझे पता लगा ये बिल्कुल सेंटर के पास जस्ट यहाँ से आ रहा है इस पोर्शन से। आप लोग अपने फ़ोन में चेक कीजिए, आपके में अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। अब वैसे 2 दिन में मैंने जो सब चेक किया है वो यही मेरे सामने 2 प्रॉब्लम्स फेस किए, एक तो ये जो 24 घंटे के अंदर फेस किया है मैंने, और ये कल शाम को रात में मैंने ये वाला फेस किया जब ग्लिफ इंटरफेस मैंने चालू किया तब मैंने चेक किया, मैं साफ़ करते करते रह गया, साफ़ हुआ नहीं। तो अगर ऐसा होगा यार एक मिड रेंज में प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप फोन लॉन्च कर रहे हो, 35,000 से बिग अमाउंट, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, 35,000 रुपये मिडिल क्लास फैमिली वाले पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा होता है, इवन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा है। मैं 35,000 अगर दे रहा हूँ तो मैं ये भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप प्रोडक्ट अगर दे रहे हो तो कुछ ऐसा दीजिए। अगर आईफोन से कॉम्पिटिशन कर रहे हो बिल्ड क्वालिटी में तो गाइस आप उतना दो तो लुक्स में, चलो मैं मानता हूँ आईफोन को थोड़ा सा बीट कर ले रहा है कुछ कुछ, मुझे लगता है ये मेरा पर्सपेक्टिव है, कहीं कहीं कुछ लोगों को आईफोन 13 अच्छा लगता है जिस मेरे पास वो है, तो फिलहाल मैं इतना बोलूँगा। अब मैं फ्यूचर में इसको थोड़ा और यूज़ करूँगा, रैकेट तरीके से यूज़ करूँगा, इसको पबजी खेलूँगा, इसकी ग्राफिक इंटेंस गेमिंग करूँगा इसमें,
और कैमरा टेस्ट करूंगा, सब कुछ करूंगा, देखता हूँ उसके फ्रेम ड्राफ्ट वगैरह कैसे थे, परफॉर्मेंस कैसा देता है। देखिए हार्डवेयर मुझे जो थोड़ा इशू दिख रहा है वो दिख गया, अब इंटरनल इशू देख लेते हैं इस फोन में क्या क्या इशू फेस करने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम आपको सारी वीडियोज में अपडेट देता रहूंगा जो भी इस फोन में प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में आपको नथिंग फोन वन से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सब कुछ एक इन डेप्थ रिव्यू बनाऊंगा, मुझे इस फोन में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा डिटेल में सब कुछ बता दूंगा। तो नीचे सब्सक्राइब वाला आइकन आ रहा होगा उसको कुछ फेंक के मार के जल्दी से ग्रे कर दो, उसके साइड में बेल आइकन होगा उसकी नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए, जिसमें से आपको इस फोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए। चलिए इस वीडियो पे यहीं पर अलविदा लेते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, तब तक के लिए बाय बाय।